और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर, जहां सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन सूरजपुर कोर्ट पहुंचे हैं। सूरजपुर कोर्ट में वकील ने सीमा, पति सचिन और पिता नेत्रपाल के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर अर्जी लगाई है। इसके बाद कोर्ट ने जेवर पुलिस को नोटिस जारी किया है, 18 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 20 के करीब धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई है। हिमांशु हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। हिमांशु, कड़ी सुरक्षा के बीच में जो जानकारी आ रही है वो ये कि सीमा हैदर, जिनके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन सूरजपुर कोर्ट पहुंचे हैं, क्या कुछ कोर्ट में कहा गया उनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें सीमा हैदर के जो पति हैं पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर, उनके वकील मोमिन सूरजपुर कोर्ट पहुंचे थे। और वहां पर क्योंकि पूर्व में मोमिन द्वारा शिकायत दी गई थी जेवर थाने में और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी, जिसमें सीमा हैदर है, सीमा हैदर के यहाँ पर भारतीय पति सचिन है, उसके अलावा सचिन के पिता नेत्रपाल, इनके खिलाफ शिकायत दी थी और 20 धाराएं हैं लगभग उन्होंने लिख कर दी थी, जिसमें मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई थी। लेकिन थाने से कोई राहत नहीं मिली, इसके बाद वकील सूरजपुर कोर्ट पहुंचे। सूरजपुर कोर्ट ने जेवर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 18 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है और वकील का यही कहना है कि लगातार जो सीमा है दावा कर रही है वो गलत है, वो उसकी शादी का तलाक नहीं हुआ है और तलाक नहीं होने के चलते वो दूसरी शादी सचिन से की हुई है जो वैध नहीं है। इसके अलावा तमाम दलीलें हैं कि जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इन तमाम तरीकों की दलील दी गई थी और इसके बाद कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया था 156(3) में FIR के लिए, जिसमें अब जेवर पुलिस से नोटिस मांगा गया और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए कहा गया है। जी ठीक है, नोटिस जेवर पुलिस को अब जो दिया गया है उस पर 18 अप्रैल तक जवाब देना होगा, क्या तैयारी की गई है जेवर पुलिस की तरफ से इस पर? बिल्कुल, देखिए पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत हुई है, पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जो कुछ भी होगा वो जवाब कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, उसके बाद अंतिम निर्णय कोर्ट को ही लेना है। लेकिन इनकी तरफ से जो शिकायत दी गई थी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन इस बीच ये कोर्ट मूव किए, कोर्ट से आदेश मिलते ही इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी और जो भी जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, जो रिपोर्ट्स हैं सबमिट की जाएंगी, वो कोर्ट के बाद कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा। जी शुक्रिया हिमांशु शुक्ला, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर अपनी।